सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी साड़ियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया सैरस मानो करके रातो रात आ गया ओए लोड़ नहीं सुरैन दीती उरा परा जान दी जाग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी दिल नबी दे प्यार कोलो रज दई नहीं दिल नबी दे नजारे कोलो पढ़ लो नजारे कोलो रज दई नहीं सोना इहो जिहा जग विच लब दई नहीं साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लग दई नहीं ओए किसे होर दा बयान चंगा लग दई नहीं आखे आप खुदा जिबरील तुझा आखे आप खुदा जिबरील तुझा मेरे नबी नू ले आ फलक सज दई नहीं मेरे नबी नू ले आ फलक सज दई नहीं रिया सिद्दीक यार मदनी الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عقدتا من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافہ سے ساڈا مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامعین حضرات تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ ابھر دے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا حاشم صاحب بڑے ہی اچھے انداز دے اندر بڑے ہی مختصر وقت دے اندر اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے اور اونا تو پہلے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب نے بڑی ہی علمی گفتگو کیتی ہے تو صاحباب دے سامنے قاری نوید الحسن صاحب دی بڑی پیاری اور مٹھی آواز سے تہاں قرآن دی تلاوت سنی ہے شاعر اسلام مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب نے اللہ اور اس نے رسول دی شان تے تھانو توحید تے اور رسالت اور شان تے نعت سنائیاں اللہ تعالیٰ سب دا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اچھی کہہ دو آمین اور ساڈے انتہائی محترم بھائی یحییٰ ٹھیکے دار صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اللہ انہاں دی اس محنت اور کوشش اور کاوش نو
अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल करके साढ़े सारयां दी निजात दा सबब बनाए। नाम बड़ा प्यारा रखिया शबे तरबीयत, तरबीयत दे हवाले ना तो हम माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगु सुनी। मैं जड़ी तरबीयत तो अहबाब के सामने कर रख बयान करना चाहना, मेरे जिम्मे मजमून लगाया गया सुन्नत दा तौहीद दा भी नाल किया गया, लेकिन मजमून एक ही बयान होना है, या तौहीद होनी है या सुन्नत होनी है। सुन्नत की इंशाअल्लाह ताला अहमियत मैं वाजे करांगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस और आप दा बात दा मुकाम और शान की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। गाय जदों अपने बच्चे नूं जन्म देंदी है ते गां उहनूं चट के जबान ना साफ कर दी, समझदार जिमीदार कोल बैठा हुंदा है वह गां दे बछड़े नूं साफ कर दे, उहदे गल च रस्सी लै के पा के उहनूं किले ना बंद दे। उस हवेली और चार दीवारी के अंदर और भी कई किस्म दियां गावां मौजूद ने जेड़ियां उस बछड़े की मां नालों आला नसल दियां ने, उस बछड़े की मां नालों ज्यादा कीमती। लेकिन जिमीदार जदों गां दे उस बच्चे नूं छड़दा है, वह गां दा बच्चा जेड़ा है सौ गां दे विचों अपनी मां लभ लैंदा, वह सीधा जांदा ते अपनी मां कोल जांदा, किसी होर गां कोल नहीं जांदा। सीधा मां कोल जाण दी वजह तो गां दे उस बच्चे नूं अरबी च तबीया कहा जाता, तबीया दे विचों है लफ्ज़े इत्तिबा। हुण कलमा नबी अलैहि सलाम दा बरेलवियां भी पढ़िया है, देवबंदियां भी पढ़िया है, अहले हदीसां भी पढ़िया है, हुण साढ़े सामने कई जातां मौजूद ने, कई जमातां मौजूद ने, कई दरवाजे मौजूद ने, कई शख्सियात मौजूद ने, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े साहबजादे सैयदजादे खानजादे पीरजादे, लेकिन कलमा पढ़न तो बाद जिन्हें पैगंबर की रिसालत और आप की नबूवत नू सही मानिया च मनिया, वो दुनिया दिया सारिया पकड़नियां छड़ के, दुनिया के सारिया जातां छड़ के, दुनिया के सारे दरवाजे छड़ के, दुनिया के सारे पीर मौलवी मुफ्ती साहबजादे सैयदजादे छड़ के वो सीधा जाएगा ते मुहम्मद के दरवाजे ते जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दरवाजे ते मोटी सुरखी लिखी है मन अतानी दाखल अल जन्ना, जिन्हें मेरी इतात की थी वो कयामत के दिन डायरेक्ट जन्नत च दाखिल होए। हुण जन्नत लभनी है ते वो नबी दे दरवाजे तो लभनी है, किसे उम्मती दे दरवाजे तो जन्नत नहीं लभनी। बोली हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दी इत्तिबा और इताद दा हुक्म पूरे कुरान च नहीं आया, ते जदों हजरत इमाम अबू हनीफा है नहीं सन, 80 हिजरी तो पहले की गल कर लगा, उदों पूरी दुनिया च कोई हनफी नहीं सी। 80 हिजरी च हजरत इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, चलो 100 हिजरी दे लगभग जाके कोई 150 दे करीब कर लो, इमाम शाफी दे आन तो पहले इस दुनिया च कोई शाफी नहीं सी। अहमद इबन हंबल रहिमहुल्लाह दे आन तो पहले कोई हमली नहीं सी, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह दे आन तो पहले कोई मालकी नहीं सी, इन्हां सारे इमामां तो पहले की सी, रब दा कुरान सी या नबी दा फरमान सी। इन्हां दे इमामां दे आन तो बाद भी पूरे कुरान च किते इन्हां दी इत्तिबा इताअत दा हुक्म नहीं आया, अगर आया तो कोई आयत पेश करो। इन्हां दी इत्तिबा और इताअत दा हुक्म क्यों नहीं दिता अल्लाह ने,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਇਤਬਾ ਔਰ ਇਤਾਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੋਲਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੱਕ ਲਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂਈ ਯੂਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਿਬੂਬ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਦੋ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ, ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਆ ਨਾ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਖਾਲਸ ਲਈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਖਾਲਸ। ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੇ ਖਾਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ, ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਡਿਊ ਮਰਿੰਡਾ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਦੀਨ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਦੀਨ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ? ਖਾਲਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਖਾਲਸ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਊਰੀਆਂ ਦੇ। ਸੁਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਤਵੇ ਮੰਨੇ ਪਿਆ ਕਨਜ ਕਦੂਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਏ ਛਾਨ ਪੂਰਾ ਛੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚੂਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਪਿਆ ਖੱਟੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਾ ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਆਖਰੀ। ਹੁਣ ਦੀਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕਲਬੇ ਅਤਹਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਦੋਂ? ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਦੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਦੀਨ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੀਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਦੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੀਨ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਜੀ? 10 ਹਿਜਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲ ਹਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਦਾ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਾ ਊਠਣੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਹਜਤੁਲ ਵਿਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਯਵਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਅਤਮਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਮਤੀ ਵਰਜ਼ੀਤੁ ਲਕੁਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ, ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ, ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਪਣੀ ਨੇਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਦਾ। ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਉਠਾਈਏ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਊਠਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਰਾ ਉਂਗਲ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ, ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸ਼ਹਦ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸ਼ਹਦ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸ਼ਹਦ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਸਿਹਾਬਾ ਵੱਲ ਐਸਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਾਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜੀ
जिवें तुसा दीन आसमान तो नाजल कीता है, मैं मेनवा अन ओवे ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है। ते मैं मुहम्मद ने वादा भी नहीं कीता ते घाटा भी नहीं कीता। हुण माशाल्लाह अकलमंद बंदे बैठे हो, जिस नबी दे सीने ते दीन उतरे है, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नूं नहीं दित्ती ते मौलवी नूं दे छड़ी है। ओ बोलो ते सही। हर साल कोई नवी बिदत विच शामिल करके आंदे ने बिदते हसना। सुन्नत हर जगह ते एक हुंदी है ते बिदत हर इलाके दी वखरी वखरी हुंदी है। हर इलाके जाओ बिदत वखरी, सुन्नत हर जगह ते एक ही। हजरत इमाम मालिक मैनू केड़े वेले याद आए रहिमहुल्लाह, फरमान लगे मनिब तदा अल इस्लाम फकत रहा हसनतन, जिन्हें इस्लाम च बिदत नू ईजाद कीता तो फिर उन्हें क्या है बिदते हसने, असल के अंदर उस बिदती दा कीता है वे कद खान मुहम्मदन माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लगिया खयानत कीती है पूरा ते असी करन गए। पहलू पूरा दीन नहीं, दीन हुण पूरा। ओ बोलो ते सही। पूरा असी करने आपे को समझ भी आउण दई जे के कोई ना। हाँ मैं क्या दीन असी पूरा करने आपे, ये बिदती दा अकीदा है कि पहलू दीन पूरा नहीं, ऐ जिहड़ी बिदत विच मैं शामिल करना हुण दीन पूरा। जे जाए के दीन नबी दा कयामत तक जिन्ने बातल अदियान ने उन्हां ते गालिब रहना है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। दूसरा मुकाम हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफा बिल ही शहीदा। जिन्ने दीन ने तीन मुकाम अल्लाह ने किया, जिन्ने कयामत तक दीन मौलविया ने बनाने ने अजे ते जिन्ने बन चुके ने सारे दीना दे उते मेरे पैगंबर दा दीन गालब आके रहेगा। गालिब है, गालिब रहेगा। क्यों? वो दीन की है मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, आका दा तरीका है, नबी दी हदीस है। सुन लो जिस तरह कुरान वही है इस तरह मेरे पैगंबर दी हदीस भी अल्लाह दी वही है। जिस तरह कुरान ला रहा है वे इस तरह मेरे पैगंबर दी हदीस भी ला रहा है वे। जिस तरह कुरान मेरे पैगंबर दे कलबे अतर ते नाजल होया एवे हदीस भी नबी दे कलबे अतर ते नाजल होई है। जिस तरह कुरान जिब्रील लेके आया ते हदीस भी आसमान तो जिब्रील लेके आया। जेड़ा कुरान दा मुनकर है वह भी काफर है ते जेड़ा हदीस दा मुनकर है वह भी। हदीस का मुनकर भी बेईमान है। वमा कानल मोमिनिल वला मोमिनतिन इजा कज़ल्लाहु व रसूलहु अमरन अय्यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फकद ज़ल्ल ज़लालम मुबीना। फरमाया कायनात दे लोगो वो बंदा पक्का बेईमान है। वो औरत भी मोमिना नहीं, मर्द भी मोमिन नहीं जिन्हें अल्लाह ते उदे रसूल दे फैसले नू ठुकरा दिता है। एक होर मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने फला वरब्बिका ला युमिनून
हत्ता युहक्किमू कफी मा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। महबूबा मैनू तेरे रब होण दी कसम है, वह बंदा पक्का बेईमान है जिहड़ा तेरी हदीस दा मुनकर है। हुण की आंदे ने आ जिन्ने मुनकरी ने हदीस ने कबर दे अजाब नूं नहीं मनदे, नहीं मनदे। एक मुनकर नाल गल होई, मैं कहा नमाज पढ़ना है, आंदा जी पढ़ना। मैं वे लई पढ़ के जरा दस ना, नमाज शुरू कर लगा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तवान। मैं कहा ना ना, सुभानक अल्लाह तो नहीं हदीस दा, तू मुनकर है। सुभानक अल्लाह मैनू कुरान चो विखा, सुभानक अल्लाह नहीं मैं पढ़न दे। फातिहा लगा पढ़न, मैं ना ना, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, ये हदीस मैनू कुरान चो विखा। नमाज के अंदर कुरान घट पढ़िया जाता है, हदीस ज्यादा पढ़ी जाती है। फिर कुल हो अल्लाह पढ़न लग पिया, पढ़ के जो रुकू जाता है, मैं रुकू एवं नहीं करना। कुरान ने कहा वरकाऊ मा अर्रा कई, रुकू करो रुकू करने वालों के नाल, जिमें तू रुकू करना है मैं कुरान चो विखा। रुकू के अंदर सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ना है मैनू कुरान चो विखा। उठ के रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी पढ़ना, ये मैनू कुरान चो विखा। हदीस नहीं, कुरान चो विखा, हदीस नू तू मनदा ही नहीं। सजदे जांदा है, मैं क्या नहीं सजदा नहीं करन देना, पहलू मैनू कुरान चो दस सजदा किन्नियां अज़ावां ते हुंदा। सजदे दा तरीका मैनू कुरान चो दस, हदीस दा तू मुनकर। गल की समझ आउण डई जे कोई ना, बोलो तो सही। अत्ताहियात च बह के लगा अत्ताहियात लिल्लाह वस्सलावात पढ़, मैं क्या नहीं नहीं ये हदीस है। ते एंड ते मैं उन्हें एक गल कही, मैं क्या तेरी अम्मी ते अब्बे दा निकाह होया आंदा होया, मैं क्या अपने अम्मी ते अबू दा निकाह कुरान चो विखा। बोलिए मेरे अल वेखी जांदा, मैं क्या अगर कुरान च तेरी अम्मी अबे दा निकाह नहीं, तू जैनियन हराम दा। बोलो, क्योंकि किताबुन निकाह हदीस दे अंदर है, निकाह दा तरीका हदीस दे अंदर है। मेरे पैगंबर ने खुतबा पढ़िया, कुरान दिया तीन आयात पढ़िया ने, मैं क्या अपने बाप दा मैनू निकाह दा तरीका कुरान चो विखा, फिर तू हलाल दा है। जे कुरान च नहीं ते तेरे हराम दे होण च शक है ही कोई नहीं। को समझ आउण डई जे कि अगली भी जान डई जे। इस वास्ते कुरान दा जिहड़ा मुनकर है वह भी बेईमान है जिहड़ा हदीस दा मुनकर है। उची बोलो, ओ बोलो। وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا। जेड़ा हदीस का मुनकर है जहनवी होने च शक कोई नहीं। आइए कुरान का एक और मुकाम, फल डर जाओ नबी दी हदीस की मुखालफत करन तो, किते फितनिया च मुबतला ना हो जाया जे। जेड़े नबी दी हदीस से मुनकर ने लोगो, उन्हां ते दुनिया के अंदर भी अजाब आउंदे ने ते आखरत च भी अजाब आउणे ने। आखरत के अंदर उन्हां दा टिकाणा जहन्नम है। जेड़े हदीस दे मुनकर ने उन्हां नूं
दुनिया च भी ढोई नहीं ते अगे भी ढोई नहीं। आ एक मेरे पैगंबर दे कोल बैठा है, एक खब्बे हाथ ना रोटी पिया खांदा है, ते आका फरमांदे ने कुल भी अमीन को सज्जे हाथ ना खा, आंदा मेरा सज्जा हाथ उठदा ही नहीं। आका फरमांदे ने अल्लाह करे तेरा सज्जा हाथ उठे ही ना। पूरी जिंदगी नबी दी हदीस दी मुखालफत करन दी वजह तो एदा सज्जा हाथ मुंह तक आया ही नहीं। हदीस का इनकार कोई छोटा गुनाह है? हुण हदीस पेश करवांदा, हदीस तो ठीक है, मेरे इमाम का कौल ये है, हदीस तो ठीक है, मेरे मौलवी की फिका ये है, हदीस तो ठीक है, लेकिन मेरे मुफ्ती का फतवा ये है। और रसूल करखी एक किताब मदारच पढ़ाई जाती है, उहदे च दरजे कौल असूल दरजे कवायद और कायदा दरजे असूल करखी चंद सिफात ते मुश्तमिल है। कुरान हदीस के मुकाबले च इमाम का कौल आ जाए, कौल ना छड़ो, कुरान हदीस छड़ दियो। अल कुरान वल हदीस युसिल्लान, कुरान हदीस गुमराह कर दे इल्ला बिल मुज्तहिद, लेकिन जेड़ा फतवा देने वाला मुफ्ती उन्हू गुमराह नहीं कर दे। ये जाल हक च मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखे हैं, ते जा हवालिया का मैं जिम्मेदार। हदीस का मुनकर दुनिया के अंदर भावे नबी का बेटा हो जन्नत ओनू भी नहीं जे लभनी। नबी नू अलैहिस सलाम की आंदे ने या बुनी अरकब माना, इस तो पिछली आयत केड़ी है, फरमाया कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबका अलैहिल कौलो व मन आमना व मा आमना माहु इल्ला कलील। मेरे नू जी कश्ती दे अंदर कायनात दे जोड़े जोड़े बैठा लो, पर मुशरक ना बैठाया जे। तो समझ आउंदे हैं, कुत्ता बैठा लो मुशरक नहीं बैठाना, खनजीर बैठा लो मुशरक नहीं बैठाना। अल्लाह खनजीर बड़ा पलीत है, फरमाया मुशरक ना लो घाटे, क्योंकि कोई खनजीर किसे खनजीर नू सजदा नहीं करता, कोई बांदर किसे बांदर नू सजदा नहीं करता, कोई कुत्ता किसे कुत्ते नू सजदा नहीं करता। ये जेड़ा मुशरक है जिंदा होके मुर्दिया नू सजदे पिया करदा। नबी नू आंदे ने कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, जोड़े जोड़े बैठाओ। तो हुण पुत्र कोल खड़ा है जेड़ा नबी दे घर च पलिया, तो नबी नू भी नहीं पता विचो बेईमान है। या बुनई अरकब माना, पुत्रा आ जा मेरे नाल बह जा, सवार हो जा। एवे हदीस, पुत्रा मेरे नाल बह जा, ते हुण क्यास की है? काल सावी एला जबली आसिमुनी मिनल मा, फरमाया अब्बा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा, पहाड़ा दियां चोटियां ना पानी टकरांदा है, ते क्यासी डुबण लगा, क्यासी गोते खान लगा, हदीस दा मुनकर लगा डुबण। ते नबी नू अलैहि सलाम की आंदे ने अल्लाह जी इन अबनी मिन आहली, अल्लाह पुत्र ते मेरा, उत्तों आवाज आउंदी है नू नबी ध्यान ना सुन ले, तू आना मेरा मैं कहना तेरा नहीं, इस वास्ते तेरी हदीस दा मुन करे इन्नहू लैसा मिन आहलिक, असी इनू तेरे आहल विचो ही कढ छड़िया। हदीस दा मुन करे नबी दा बेटा, रब ने आहल विचो ही बाहर कढ छड़िया।
एक होर सुन लो मुकाम जरब अल्लाह मसल للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين दो घरां दा तज़करा रब कर रहे ने मेरे वाल वेखो नबी नूह ते लूत बीवियां नबी दियां ने तवज्जो खांदियां नबियां दे घर चो ने हंडांदियां नबियां दा ने औलाद नबियां दी जमदियां ने झूठा नबियां दा खांदियां ने नबियां दे बिस्तर ते सौंदियां ने कुरान आंदा नबी दी हदीस दियां मुनकर ने कुरान आंदा की लदखुल नारा ए दोवें जहन्नम च जान गियां ओ बीवी नबी दी होए नबी दी हदीस दी मुनकर होए इनू जन्नत नहीं लभणी जहन्नम च जाएगी बीवी फिरौन दी होए नबी मूसा दी हदीस नू सीने ना ला लवे बोलो हुण की होया जी आसिया ने कलमा नबी दा पढ़िया नबी मूसा दा हदीस नू सीने ना ला लिया ते फिर आंदा आसिया तेनू की नेर वज गया ऐ कोठियां ने बंगले ने चहल पहले नौकर चाकर ने फरमाया वे फिरौन मैं तेरे महला नू की करा जिन्ना दे विचों जिन्ना दे दरों दीवार च मैनू रब दी तौहीद दी आवाज ही नहीं आउंदी इन्हें हुण किल ठोक दिते नंगिया कर दिता ते किल ठोक दिते जिसम च ते आसमान वल ध्यान ते की आंदियां ने आंदियां ने सारा वजारा बल्लाहु मसल للذين आमनु मरात फिरऊन इज कालत रब इब्नी इंदक बैतन फिल जन्ना अल्लाह महल बनाना ही ते अपने कोल ही बनाई आवाज आउंदी है आसिया नबी दी हदीस वास्ते मारा खान वाली है नबी मूसा दा कलमा पढ़न वाली है तेरी जबान चो अल्फाज पांच जुदा होए ने असी महल पहले ही बना दिते ने नबी दी हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी होए किथे जाएगी बोलो जहन्नम च नबी दी हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी होए जहन्नम च जाएगी और नबी दी हदीस नू सीने ना लान वाली फिरौन दी बीवी होए किथे जाएगी है तीसरे पासे वेला नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा प्यो है नबी इब्राहिम दा बाप है फत्ता बेनी अब्बा मेरी गल मान ला मेरे पीछे लग जा अगो जवाब आया लार जुमन न कवाह जुर्नी मलिया मैं पत्थर मार मार के हजम कर दियांगा नबी इब्राहिम फरमांदे ने अल्लाह कयामत नू मैं जन्नत च मेरा प्यो जहन्नम च किताब उत तफसीर उठाओ सही बुखारी उठाओ किताब उल अंबिया कढो आवाज आई मेरे इब्राहिम है तेरा बाप है पर तेरी हदीस दा मुनकर है कियामत नू गड्ढे पिछू दी शक्ल बना के इनू जहन्नम रसीद कर देंगा तेनू पता लगन ही नहीं देना हुण नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा प्यो है जन्नत लभेगी बोलिया जे ना किते परचा ना हो जाए तुहाडे ते उच्ची बोल नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा चाचा होए अबू तालब मरदा ना पिया ते की के पुत्र मेरे कल ची कलमा पढ़ ला कान च ते कयामत नू मैं छुड़ा लांगा ते चाचा की आंदा पुत्र बरादरी दी आर कबूल नहीं जहन्नम दी नार कबूल है कलमा नहीं पढ़े आका छड़ के चले गए चाचा मर गया हाय 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 हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु हाय ये नहीं क्या थोड़े चाचा जी फौत हो गए मेरे अब्बा जी फौत हो गए ना हदीस दे अल्फाज की ने महबूबा तेरा गुमराह चाचा मर गया अखा चो आंसू आ
आखिर बड़ा दिफा करने वाला चाचा सी, मुहब्बत बड़ी सी। अल्लाह मेरा चाचा जहन्नम च जाएगा? फरमाया हां। अल्लाह इन अकीदत बड़ी सी? फरमाया सुकी अकीदत काम नहीं होनी जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होएगा। अकीदत बड़ी सी लेकिन तेरी हदीस का मुनकर सी। कयामत दे दिन नु गंद, कयामत दे दिन नु जहन्नम दी आग दी जुत्ती पहनावांगा जिदे नाल दिमाग एवे उबलेगा जिवें हांडी उबलदी। अबू लाब दा नाम ही है कि नहीं कुरान च? अबू लाब ही नबी दा चाचा। लाब दा माना की है? सुरख गल्लां बड़ा सोहना सी। मुहद्दिसीन ने लिखा है रुखसारा चो बंदे नु अपनी शक्ल नजर आउंदी सी, एडा खूबसूरत सी अबू लाब। ते नबी ना अकीदत भी बड़ी है। अपना दरवाजा पैगंबर दे दरवाजे दे सामने रखिया कि मुहम्मद नु घर वड़दियां भी वेखा निकलदियां भी वेखा, लेकिन जात ना बड़ा प्यार करदा। ते जदों नबी ने बात पेश की सब तो पहलू इन्हें किया सी, तब्बल्लक या मुहम्मद माज़ अल्लाह तेरे दोवें हाथ टूट जा। उत्तो जवाब आया तब्बत यदा भी लहबी वतब मा अगना अनहु मालहु वमा कसब सयसला नारन जात लहब वमरातहु हम्मालत लहतब फी जीदिहा हबलु मिन मसद। फरमाया तेरे दोवें हाथ टूट जान, तू ही नहीं तेरी बीवी तेरा माल तेरे अमाल सारा कुछ जहन्नम। ये जदों सूरत नाजल हुई तो उम्मे जमील जड़ी सी मारन वास्ते आई नबी अलैहि सलाम हरम च, रब ने उत्थे भी दिफा की। अबू लाब सोना बड़ा है, हसब उच्चा नसब उच्चा, खानदान बड़ा उच्चा, लेकिन पैगंबर दी हदीस दा मुनकर है। नबी दे आखे नहीं लगिया ते कुरान आंदा किथे जाएगा जहन्नम च, ते दूजे पासे वेख लै हबशे दा काला बिलाल है, मोटा जिहा नाके मोटे मोटे ऊंट ऊंट ने, निकिया निकिया अखियां ने, लेकिन नबी दी हदीस नूं सीने ना ला लिया। उमैया दियां मारां पिया खांदा है ते आका फरमांदे ने बिलाल मैं मेराज ते गया सां ते मैं जन्नत दे अंदर दाखिल होया ते अल्लाह अकबर अगे अगे कदमां दी आट आ रही सी। मैं पुछिया जिबरील ए कौन ही जिहड़ा जन्नत दे अंदर मेरे अगे पिया चलदा? महबूबा तेरा बांगा बिलाल चलदा मक्के दिया गलियां चे जुतियां दा खराक जन्नत च आ रहा है। और चक समाने वाले नबी दे आखे नबी दी बीवी ना लगे जन्नत नहीं लभनी, नबी दे आखे नबी दा पुत्र ना लगे जन्नत नहीं लभनी, नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा प्यो है जन्नत नहीं लभनी, नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा चाचा ते जन्नत नहीं लभनी, नबी दी हदीस दा मुनकर उम्मती होए इहदे वास्ते जन्नत ते वटदे पई बोलिया जे ना हुण। आहो बोलो की नबी दी हदीस दा मुनकर नबी दा उम्मती होए? माड़ो हाथ जिन्हां दाड़ियां बनाईयां ने चेहरियां ते, तुसीं ते सारे ही नबी दी गल मनन वाले बोलदे नहीं। इहनूं सवेरे रोटी नहीं लंघदी, नाश्ता ही नहीं हजम हुंदा जब तक दाड़ी ना बना। ते कई विच सत्तर साल पप्पू भी बैठे हुंदे ने, कई मूंह दे वट पए ने, नाई नूं आंदे ने वट कढ के उस तरह फेर घर जा के आंदा बेबे नूं सुना फिर आंदे आज जीरो मीटर ही लगना है। कोई यार निशानी दे तो उन्हें उंगल च पा के रखदा, अंगूठी कितों लई है बड़ी खूबसूरत है, ये यार ने दिती है। और यार ने जड़ी निशानी दिती है उन्हें उंगल च पा के रखना है, सीने ना ला के रखना है, ते नबी दी निशानी नूं मना के रखना है, तेनूं का शर्म नहीं आउंदी? बोल। आका ने भी ते हौजे कौसर ते खलोत्या होना है, कम से कम लसन ते लैके जाओ जरा पानी लभ जे घुट ते लभना उन्हां नूं ही है जिन्हां दे चेहरिया ते लसन होने ने। गल याद रख लो नबी दे कोल दो ईसाई बाहरों फौजी आए बाहर दे मुल्क किहे चो ते उन्हां दे चेहरिया ते दाड़ियां नहीं, नबी ने परत के उन्हां वल वेख्या फरमाया लैयो मैं इन्हां नूं वेखणा ही नहीं चाहुंदा। ते साईयां दे चेहरे ते दाड़ी नहीं, नबी ने वेख्या नहीं। मुसलमान दे चेहरे ते दाड़ी ना होए नबी घुट के जफी पाएगा? बोलते नहीं होने।
बोलो बोलो तरबियत वाली रात है थोड़ी, बोलो जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह सानू नबी दे लड़ ला लगना जानते हो ना, हां लग जाओ लड़ लग जाओ, नबी दी सुन्नत ना प्यार करो, पैगंबर दी पाक सुन्नत नू कट के गलियां दे अंदर ना रोड़िया कर, एदा कतलेआम ना करिया कर। रब्बे किबरिया दी कसमे जदों नबी दी सुन्नत नू अपने चेहरे तो मनाना, मेरे पैगंबर दी रूह नू तकलीफ पहुंचदी है। मैं हद दी कसम उठा के बावजूद के मस्जिद च बैठ के पिया कहना वा, जदों पैगंबर दी पाक सुन्नत नू कट के गलियां च रोड़ना है, उदों मेरे नबी दी रूह पाक नू जन्नत दे अंदर तकलीफ पहुंचदी है, क्योंकि मेरे पैगंबर दे ते दाड़ी सी। अगर दाड़ी चू हुसन ना हुंदा ते रब अपने नबी दे चेहरे ते इनू उगनी ना देंदा। हुसन सारा दाड़ी चे, सारे चेहरे ते ऐब इस दाड़ी चे कजे जांदे ने। जदों दुनिया तो जाना ही तेरा कफन चो मुंह बार होना ते सारिया कहना मुंह ते वेख लैंदे हो कोई की तो चले है, मेरे आउन तक दफन ना करे आजे, मैं मुंह वेखना। उत्तों आवाज आउंदी है, ओ दुनिया तो आउन वाले आ, सारे तेरा मुंह ही पे वेंदे ने, ते जदों आएगा कबर दे अंदर मैं भी तेरा मुंह ही वेखना, तेरा मुंह भी मेरे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक है वे के नहीं। चलो एक दाढ़ी बनाना दे लैदा, कईयां ने दाढ़ी दे डिजाइन बड़े बनाए हुंदे, पैगंबर दी सुन्नत ना मजाक किन्ना कीता जांदा। अल्लाह एक गरक क्यों नहीं हुंदे, एक इधर जमीर च दंसाए क्यों नहीं जांदे, जेड़े तेरे नबी दी सुन्नत दे डिजाइन बनांदे ने। मेरे भाईओ, मेरे पैगंबर ने पूरी जिंदगी दाढ़ी नहीं मनाई, किसे सियाबी नहीं मनाई, 1,24,000 अंबिया चो किसे नहीं मनाई। हजरत जाबर आंदे ने, मैं मस्जिद नबी वल मेरे बेसाख्ता कदम उठते ने, 14वीं रात का चन भी जो बनते वे, इधरों आका ने सुरख रंग का कंबल लिया, ते मस्जिद नबी दे कच्चे सेन च लेटे ने, ते मंजर बड़ा अजीब बज जांदा है। कदी मैं चन वल वेना, ते कदी मैं जमीन दे चन वल वेना, कदी मैं 14वीं रात दे चन वल वेना, कदी मैं जमीन दे चन वल वेना, एंड ते फैसला करना, ओए आसमान दे आ चन्ना तेनू भी रोशनी मिली है, ते मेरे नबी दे चेहरा पूरा नवार चो मिली है, तू सोना नहीं जमीन दा चन सोना है। जमीन दा चन क्यों सोना है, दे चेहरे ते दाड़ी है, आसमान दे चन्ना तेरी दाड़ी कोई नहीं। हुण जेड़ा दाड़ी मनाएगा उनू आसमान दे चन नल प्यार है, ते जेड़ा दाड़ी अपने चेहरे ते रखेगा उनू जमीन दे चन नल प्यार है। मैं ये नहीं कहना बावा तां करो ते ठां करो पी दाड़ी किने रखनी है, मैं रखान नहीं आया, मैं सुनान आया। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, सोनिया तेरा कम नसीहत करना है, तू दरोगा बन के नहीं आया कि तू मनाना है। जे तेरे गे दिल च गल पै जाए कि आज तो बाद मैं एक वाल भी नबी की सुन्नत का कट के गली च नहीं सुटना, तेरी मेरी निजात का इंशाअल्लाह सबब बन जाए। जो लड़ लगियां सो तर गईयां, ते पार सलामत गईयां, इस नगर जिस चाती पाई, ओ गुनागार न रईयां, जिसने रूगरदानी की थी, ते कम की ते मन मानी, ओ कदे ना पार सलामत गईयां, ते गरक होईयां विच पानी। आओ लोको टिकट खरीदो, खड़ा जहाज मुहम्मदी,
फिर न कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। सीधा रास्ता सड़क मुहम्मदी, मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां जावा। हनफी शाफी मालकी हम्बली सारे छोड़ अकीदे, आजा सड़क मदीने वाली आ दरबार नबी दे। फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। जिथे नबी ने बिठाया बह जाओ, जिथो नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे नबी ने झुकाया झुक जाओ, जो नबी ने दिता है मजबूती नल पकड़ लो, जिथो नबी ने मना कीता मना हो जाओ। नबी दे आखे लग गए जो मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, अल्लाह फरमाते ने दो इनाम देंगा। पहली गल युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं रब तुहानू अपना महबूब बना लवांगा, अपना कुरब दे देंगा। नबी दे आखे लगोगे, नबी दी हदीस ते अमल करोगे, पैगंबर का कहना मनोगे। ते दूजी गल यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर दे। अरबी के अंदर गैन फारा गफर, गफर का माना उस गड़े ते टोए नू किया जांदा है जिदे अंदर गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा दिती जांदी है। अल्लाह अंदर मेरे नबी दे आखे लग के आएगा, मैं तेरी जिंदगी दे गुनावां दी गलासत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा देंगा। हदीस आ गई है, फिर सोचन की भी गुंजाइश है, सोचन की गुंजाइश हूँ। की हदीस तो ठीक है, वेखो ना मौलवी जी, इमाम का कौल भी तो ठीक है कि नहीं, कौल भी तो मनना चाहिए, हदीस ठीक है। मेरे इमाम का कौल ये है, मेरा एक दोस्त गया ही इधर पिशावर सैडल, आंदा एक पठान नू मैं कलब कलब के आख्या, मैं कहा नबी दी हदीस है, आंदा नहीं मैं मानता मैं हनफी हाँ, नहीं मानता मैं हदीस, मैं नहीं मानता। और मैं क्या इमामे अबू हनीफा सब कह दो रहमतुल्ला, उन्होंने को बंदा आने वाला आया, उन्होंने शगीरदान के कहना क्या इजा कुल तकौलन युखालिफु किताबुल्लाह। इमाम साहब एक पास कुरान की है तो एक पास थोड़ा कौल हो, कुरान की है तो ना थोड़ा कौल टकरांदा हो, थोड़ा कौल बनिए कुरान बनिए। सुनो हनफी भाइयो, बरेलवी हो देवबंदी हो, दोवे ही एको इमाम के मुकल्ले तो सुन लो तवज्जो ना, किताब इकत मैंने हार जीत मैंने गला मुजा मुजाफल है, इक दुल जीत किताब सफा नंबर 53 हवाले का जिम्मेदार मैं हूं। हवाला गलत हो पूरी जिंदगी मसल कह ले हदीस दे स्टेज से चढ़ के तकरीर नहीं करा। अल्लाह के फजल ना पहाड़ भी इन्ना मजबूत नहीं जिन्ना मेरा दलायल मेरे मजबूत होंगे। इमाम साहब एक पासे कुरान दी आयत होए, दूजे पासे थोड़ा कौल होए, हुण कौल मनीए कुरान मनीए, कुरान दी आयत नाल थोड़ा कौल टकरा रहे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा जवाब सुनिए जवाब। इमाम साहब फरमाते ने उतरोकु कौली बेकिताबिल्लाह, ओए आउण वालिया मेरा कौल छड़ दे, कुरान दी आयत नू मन ले। ये कौन कह रहे हैं? याद कर लो भाभीओ, याद कर लो, कौन कह रहे हैं? इमाम अबू हनीफा सब कह दो रहमतुल्ला। इमामा का अदब साढ़े ना ज्यादा कौन नहीं करता, इमाम अबू हनीफा का अदब एहतराम असी करने, कौन कहता नहीं करते इमामा का अदब। इमाम शाफी इमाम ने, अहमद इब्ने हंबल इमाम ने, इमाम मालिक इमाम ने, लेकिन याद रखो सारे नबी दे गुलाम ने, ए वाजिबुल अदब ने, वाजिबुल इताअत सिर्फ मुहम्मद की जात है और कोई नहीं। वाजिबुल इताअत सिर्फ दुनिया च कोई हस्ती है उसका नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और कोई नहीं जिदी जात भी ला रहा है बे जिदी बात भी ला रहा है जो दी जबान चो निकलिया साडे वास्ते दीन है कानून है हरफे आखर है दिल नबी दे नजारे कोलो रज दई नहीं दिल नबी दे नजारे कोलो रज दई नहीं सोना इहो जे जग विच तू एवें आना मैं लभ के लिया वा कितों सोना तेरे नाल दा लियाउणा कितों ही किसे मां दी कुख ने जणिया जिहड़ा लियाउणा ही एक पासे आना इत्थे ही ने दूजे पासे आना लभ के लिया वा जे ओ इत्थे ने ते लभण दी लोड़ बोलो भी ते लभना कितों ही किसे मां दी कुख ने एवें दा वजी जणिया ही नहीं मैं कहना सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी साड़ियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया सैरस मानो करके रातो रात आ गया ओए लोड़ नहीं सुरैन दीती उरा परा जान दी जाग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी दिल नबी दे प्यार कोलो रज दई नहीं दिल नबी दे नजारे कोलो पढ़ लो नजारे कोलो रज दई नहीं सोना इहो जे आ जग विच लब दई नहीं साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लग दई नहीं और किसे होर दा बयान चंगा लग दई नहीं आखे आप खुदा जिबरील तुझा आखे आप खुदा जिबरील तुझा मेरे नबी नू ले आ फलक सज दई नहीं मेरे नबी नू ले आ फलक सज दई नहीं रिया सिद्दीक यार मदनी दे नाल रिया सिद्दीक यार मदनी दे नाल डंग मारे काला नाग अड्डी चुक दई नहीं डंग मारे काला नाग अड्डी चुक दई नहीं आइए मेरे पैगंबर दी जबान चो जो निकलिया हक के सज हजरत इमाम अबू हनीफा फरमांदे ने कुरान ना छड़ी मेरा कौल छड़ दे हुण कुरान की आंदा है कुरान मिसाल भी दे दिया ना वाइजा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना जदों कुरान पढ़ के सुनाया जांदा है मोमना दा ईमान वधदा वधदा कि नहीं हां हजरत कुरान कहिंदा ईमान वधदा इमाम अबू हनीफा दा कौल है ईमान वधदा भी नहीं घटदा भी नहीं ए जामद ही रहिंदा ते किसे हनफी मौलवी नूं जाके पुछो ईमान वधदा ना 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 कोनी वधदा इको जगह ते ही रहिंदा ते कुरान की कहिंदा ईमान हुण ईमान दा कौल ते कुरान दी आयत टकराई इमाम साहब की आंदे मेरा कौल छड़ो कुरान मनो जे हनफिया ने कुरान मनिया हुंदा ते कहिंदा ईमान वधदा ते जे इमाम दा कौल मनिया हुंदा फिर ए ना कहिंदे कि ईमान वधदा भी नहीं करदा भी ना इमाम दा कौल मनिया ना कुरान दी आयत मनी ना इधर के रहे ना उधर के रहे ना खुदा ही मिला ना वसाले जनम बोलते नहीं उन्हें गुरु दूजा सवाल किया आंदा इजा कुल तकौलन युखालिफु खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम साहब एक पासे थवाडा कौल होए दूजे पासे नबी दी हदीस होए थवाडा कौल जेड़ा नबी दी हदीस नाल टकरांदा होए थवाडा कौल मनिए या हदीस मनिए इमाम साहब दा मसलक सुन लो की है जेड़ा मसलक इमाम अबू हनीफा दा ए ही मसलक अज दे अहले हदीस दा इमाम साहब की आंदे ने उतरो कू कौ कौली बेखबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ पुछण वाले आ नबी दी हदीस ना छड़ी मेरा कौल छड़ दे
एक ही आंदा है कौल नहीं छड़ना हदीस छड़ दे हो। इमाम साहब की आंदा बोलो कौल छड़ दे हो हदीस। मैं क्या ही मुकल्लद इमाम अबू हनीफा ने मानदा एक भी नहीं बोल दे रही। लेकिन इमाम अबू हनीफा तो पहले अपनी तारीख ते विखा के हनफी को रूए जमीन ते विखा दे सही सानू आंदे ने कल दी पैदावार ने भाभी मैं वह दाई ते विखा जिन्हें सानू जमे विखा दे सही। तू पुराना नहीं ते मैं नवा नहीं तेरी तारीख दियोबंद ते जाके खत्म हो जाती है इंडिया के शहर से एक दी बरेली च खत्म होती है दूजे की दियो। और मैनू तो याद आया मौलाना ताउला बदयालवी ने मसलक दियोबंद के बहुत बड़े खतीब ने उन्होंने कहा बरेलवी कोई मजहब नहीं ना दियोबंदी मजहब मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी तो लग के बरेलवी ने ते दियोबंद तो लग के दियोबंदी ने इन्हों तो पहले ना दियोबंदीयत का वजूद है ना बरेलवीयत का वजूद। उन्हें कहा विखाओ कि है वो मर्दे मुजाहिद ने गल बड़ी बाकमाल की थी उन्हें कहा जदों दे कुरान हदीस ने उदों दे आले हदीस ने ये दुआ तो पहले क्या कौन लोग सन एक कुरान सी एक हदीस सी हदीस दे मनन वाले कुरान की तबलीग करने वाले ते कुरान हदीस वाले कौन ने। हाँ फबी अय्यि हदीसिन बादहु यूमिनून बोल दो। मेरे आका भी फरमाते ने कयामत दा दिन होएगा जा असहाबुल हदीस अहले हदीस कयामत नू आउणगे इन्हां दे हत्थां च दवाता होणगियां कलम होणगे अल्लाह पुछणगे अल तुम असहाबुल हदीस ओ तुसी अहले हदीस हो तुसी मेरे नबी दियां हदीसां लिखदे रहे हो मेरे नबी ते दरूद लिखदे रहे हो जी अल्लाह जी असी अहले हदीस हां आवाज आएगी इंतलिकु इलल जन्ना जाओ मेरी जन्नत च दाखिल हो जाओ। अगर हदीस ना होए तो ही मुजरम। हजरत इमाम तिर्मिजी ने सुनन तिर्मिजी च 90 मरतबा लफ्ज़े अहले हदीस आंदा है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा सी मैं दुनिया का पहला अहले हदीस हाँ। अहमद इब्ने हंबल नूं पुछया गया भी जमीन ते अल्लाह दे वली कौन ने अहमद इब्ने हंबल फरमान लगे दुनिया च वली अहले हदीस नहीं ते कोई वली कायनात च है ही कोई नहीं। और इमाम काबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन सुदैस तशरीफ लियाए सन पता तो उन्होंने की कहा सी आलुल हदीस व आलुल नबी अहले हदीस सिर्फ रूए जमीन ते आले नबी ने अगर अहले हदीस वली नहीं कोई वली नहीं। तारीखे असहाबुल हदीस अलामा बगदादी की किताब है असहाबुल हदीस अलामा बगदादी वो किताब पढ़ो सियाबा अपने आप नूं अहले हदीस खवांदे ताबी अपने आप नूं अहले हदीस तबा ताबी अपने आप नूं अहले हदीस खवांदे तारीखे अहले हदीस मौला इसहाक भट्टी साहब की किताब लकबे अहले हदीस राणा शफीक खान पसरूरी साहब की किताब पढ़ी मौलाना जुबैर अली जई की किताब मौजूद है। असी पुराने नहीं असी नबी पाक के दौर तो चले आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हुण हजरत इमाम अबू हनीफा दा कौल की है कौल भी जरा सुन लईए ना उन्हें क्या मेरा कौल छड़ो कुरान हदीस मनो कौल है वे इमाम साहब दा कौल है बीवी फौत हो जाए तो खामद उहदा चेहरा ना वेखे तो जे खामद फौत हो जाए तो बीवी उहदे नेड़े भी ना आए ये इमाम साहब दा कौल है खामद फौत हो गया बीवी उहदी चार पाई नूं हाथ मैं क्या की गल इहनूं शाट पैंदी है हाथ ना रहे जे बीबी फौत हो गई है खामद ओदी चार पाई दे नेड़े ना जाए मैं की होया है निकाह टुट गया है। मैं कह निकाह बड़ा भाई सूत्र दी तंद जिहड़ी एवें तोड़ छड़ी एक पासे बाबे नूं 12 साल कच्चे धागे ना मौलवी खूज लमका छड़े ही पुठिया करके लत्तां तां ते सिर ठां मैं कहा बाबे नूं सीधा कर बाबा के फैसलाबाद का बकरा है
ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਟੰਗਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਲਮਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੋੜ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا تو گئے، غسل کنے دیتا ہے؟ انہوں نے بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئی، غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے نا، تینوں غسل بھی آپ دیا، کفن بھی آپ دیا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑا۔ میں اگلی گل کر رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے خامل بیوی بیوی خامل نو غسل دے سکتی ہے، امام دا قول ہے نہ بیوی خامل دا چہرہ نہ ویکھے تے بیوی دا چہرہ خامل نہ ویکھے۔ میں پوری کائنات ویکھے او دا چہرہ پر بندہ نہ ویکھے، کیسی تیری مولوی شریعت ہے؟ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دیو، حدیث مان لو، دنیا دے کسے حنفی مولوی نو پوچھو، مولوی جی اے مسئلہ ایک دسیا جے، اے بیوی فوت ہو جے خامل نو غسل دے سکدے؟ انہاں توبہ 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 کی کہنا ہے، یہ نہیں کام کرنا، نیڑے بھی نہیں جانا، ادھر ویکھنا بھی نہیں۔ میں کہا مولوی جی امام ابو حنیفہ دا قول ہے، انہوں نے قول چھڑ دیو حدیث منو، انہیں نہ قول منیا نہ حدیث منی ہے، بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا۔ سانو نہ مینے دیا کرو۔ تیجے نے سوال کیتا، تیسرا، ایک پاسے صحابی دا قول ہے، ایک پاسے امام صاحب تہاڈا قول ہے، تہاڈا قول نبی دے صحابی نال ٹکراندا پیا، پھر کی کریے؟ فرمایا اترو کو قولی بھی قول صحابہ، صحابی دا قول نہ چھڈی، میرا قول چھڈ دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کیوں قول میرا چھڈ دے؟ حدیث نہ چھڈی میرا قول چھڈ دے، قرآن نہ چھڈی میرا قول چھڈ دے۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ جتھے نبی دی حدیث آ گئی ہے، ایں یقولو سمعنا واطعنا، سن وی لیا تے اسی من وی لیا، ایدا نام مسلمانی۔ نبی دا ایک صحابی ہے خریم الاسدی، توجہ میرے وال، تھکتے نہیں گئے، ایدے وال ایتھے نے، خریم الاسدی دے وال ایڈے ایڈے، تحمد گٹیاں تو تھلے رہی گئے، تے آقا علیہ السلام بیٹھے نے نماز شادی پڑھا کے، تے صحابہ جی بیٹھ کے نا، آقا فرما دے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہی ہے، اگر دو کم کر لے تے مدینے چ ایہدے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں، وال کنا دیاں لوہا تک رکھ۔ آ جڑے بابیاں نے لمے لمے وال رکھے، بابا نوری بوری مر گیا، وہ وال 50 کو بندیاں نے وہ وال ہی پھڑے ہوندے، وہ ایڈے لمے وال۔ میں کہا فرشتیاں نو آسانی ہو گئی، انہاں والاں چ ہی انہوں لبیڑ لیا، انہیں چتر چ مارنے۔ فرمایا کنا دیاں لوہا تک وال رکھ لے، تے تیمن گٹیاں تو تا کر لے، خریم ورگا چنگا بندہ ہی کوئی نہیں۔ صحابی نے جا کے، ایک نے جا کے خریم نو دسیا، تیرے بارے چلا تے رسول نے فرمایا خریم الاسدی دے کول چھری پئی ہے، چھری پھڑ کے ایتھوں پیچھوں ایس رک دی پھیردا ہے، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے، تحمد گٹیا تو تائیں مسجد نبوی دے مین بے گیٹ چکھلو کے آندہ ہے، اللہ دے رسول ہون چنگا لگنا؟ آقا فرما دے نے تو پہلو بھی چنگا سے، تو ہون بھی چنگا ہے، کیوں؟ ای اکولو سمینا و اتانا، تو سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے۔ اے مومن، سونے دی انگوٹھی پائی ایک بندے نے، نبی علیہ السلام نے لا کے مسیتے سوٹ چھڑی، اسے نبی چھ ایڈی موٹی سونے دی انگوٹھی، بڑی قیمتی، 3 دن پئی رہی ہے مسیتے نبی، کہ صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں،
تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندے حضرات جتیاں اپنی پا کے جائے ہیں تے سویرے آنے رات ہے سمانے والا جلسہ واہ واہ رہے کیویں پرانی کھڑی ہی نویں پائیں ہاں میں اپنی جتی لائی ہے نا میں دھیان نہ رکھیا جی ایک جگہ تے میں ایویں کیتا میری کو چوک کے لے گیا کیوں بھائی آئی اس واسطے میرے بھائیو کڈی وڈی کم بختی ہے کہ ساری رات قرآن دی سنیے تے جان لگے 1015 سے جتی چوک لے سارا جنازہ ہی ایتھے کر جو ایمان بول دے صحابہ دا بھی تے ایمان ہے ہی سونا پیا تے تین دن پیا رہ کے ویکھیا بھی نہیں ایک صحابی نے پھر کیا تیسرے چوتھے دن او یار چکدا کیوں نہیں انگوٹھی پئی ہے تیری یہ گواندا تو چکن دی گل کرنا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سن چھڑیا جنی مرضی قیمتی ہوئے پیغمبر دی بات نالو حکم نالو انگوٹھی تے قیمتی نہیں نا ایدہ نا ہے فتبعونی یحببکم اللہ اتباع نبی دی سانو لوگ پوچھدے نے فلی دین کیوں کردا میں پونے 600 حدیث ہے فلی دین کرن دی تے نہ کرن دی ایک وی نہیں کوئی وکھاؤ تے صحیح میں تے کراچی تو خیبر تک کلب گیا کوئی ایک حدیث ہی لیاؤ صحیح ہے سند دے نال نہ کرن دی صرف ایک حدیث جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ایک ہی وکھا لیکن اس دے باوجود بھی سانو نے بھابی مکیاں چل دے آندے نے کہ نہیں اور میں کیا کملیا اس نبی دی سنت جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن نہیں دتی انہیں چلنی کتھوں سی پہلو یہ دکھاؤ نبی دے بدن تے کوئی مکھی بیٹھی ہے پھر دوسری گل لگو کرانگے کچھا جی بوتل ہی دے سن میں کچھا جی بوتل ہی حدیث پتہ نہیں کتھوں انہیں لب لئی میں دیکھ ہر جگہ دیکھا میں آؤ کچھ جی بوتل رکھنا لی کو حدیث بخوا دے مسیح تھی تھوڑے نال آ دیا بخواؤ دے صحیح سانو نہیں ملی کچھا جی بوتل رکھنا چوتھا اٹھیا شریر گھوڑے دیا دمبا نہیں طرح میں کہتے ہیں شرم نہیں ہوں دی نبی دی پاک سنت نو گھوڑے دی دمنا تشبیح پیا دینا ہے حیاء کرب نبی دی سنت ہے کوڑے دی دومنا ملان دے ہیں لان دیا شرم نہیں ہو دی لم یسبوتا نحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدی نبی دے کسے صحابی کو لو رفع یدین دا ترک ثابتی نہیں 144,000 صحابہ سن آخری صحابی کدو فوت ہوئے 110 ہجری حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ 110 ہجری مکے دی فوت ہوئے نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے سے ابھی 99 سال رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے پہ بن کے نبی دا آخری سے ابھی نماز پڑھدا رہا مکے چ لیا ہو تو سے میرے بھائیو نماز محمدی دے قیامت نو اجر لبنا ہے حنفی نماز دا کو نہیں جی لبنا کیونکہ محمدی نماز دی نبی نے تصدیق کرنی ہے حنفی نماز دی کرنی نہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اور سانو سارے نو قرآن و سنت دا سچا تابع دار بنائے انشاءاللہ پھر ایتھوں ہی گل لگے شروع کرانگے ایویں سمجھو آج تمہید بج گئی ہے تے اگلی گل پھر اگلے تھوڑے والدین واسطے میاں محبوب عالم صاحب دے والدین واسطے بھائی عبداللہ دے والدین واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہ الکور سی ڈی سینٹر وی تشریف لے آئے نے بھائی عبداللہ صاحب میاں محبوب صاحب یہ جوڑی نو اللہ وی کٹھے ہی رکھے یہ جتھے جاندے نے کٹھے ہی جاندے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ برکات نازل فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید